वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक किलोमीटर में कितने कदम होते हैं। कदम मीन्स स्टेप, कि अगर हम कहीं पर एक किलोमीटर चलते हैं तो उस एक किलोमीटर में चले गए कदमों की संख्या क्या होगी। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मीटर में कितने इंच होते हैं, एक मीटर में कितने इंच होते हैं। तो एक मीटर में हमारे 39.37 इंच होते हैं, ठीक। एक मीटर में कितने इंच होते हैं, 39.37 इंच, ठीक। इसलिए 1000 मीटर, हमने पहले एक मीटर के इंचेस निकाल लिए, अब हमें किसके इंचेस निकालने पड़ेंगे, एक किलोमीटर के इंच, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे 1000 मीटर में कितने इंच होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1000 का गुणा कर देंगे किससे, 39.37 से, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, तो देखिए नीचे हम इसके नीचे लगा लेते हैं एक, ठीक है। 39.37 के नीचे एक लगा लिया, यहां से इस दशमलव के चिन्ह को हटाते हैं और दो जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है। तो मैंने इसके नीचे कितने जीरो बढ़ाए, दो जीरो, इन दो जीरो से दो जीरो को काट देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी संख्या बन के आ गई 10 × 3937, क्योंकि अब दशमलव तो वहां से हट ही चुका है, ठीक है। गुणा करा लेते हैं, 10 का गुणा करा लेते हैं 3937 में, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 39370 इंच, ठीक। 39370 इंच हो गए हमारे 1000 मीटर यानी कि एक किलोमीटर में, ठीक। अच्छा, यहां तक हो गया। अब हमें समझना पड़ेगा कि एक कदम कितने इंचेस या कितने फिट का होता है। तो देखिए, एक कदम जो होता है हमारा नॉर्मल 2 से 3 फिट तक हमारा कदम हो सकता है। ये वेरी करता है उस बंदे की हाइट पे, उस बंदे के चलने के तरीके पे, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल जो औसत जो कदम होता है वो होता है 2.5 फुट का। कितने का, 2.5 फुट का होता है हमारा एक कदम, ठीक है। 2 फिट का भी होता है, 2.5 फिट का भी होता है, और 3 फिट का भी हो सकता है, और 3 फिट से ज्यादा का भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, उस बंदे की हाइट पे और कितना वो बड़ा कदम रखता है, ठीक है। वैसे लेकिन औसत जो कदम होता है, एवरेज जो हमारा स्टेप होता है, वो 2.5 फिट का होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में होते हैं हमारे 12 इंच। इसलिए 2.5 फुट में कितने इंच होंगे, 2.5 फुट में हो जाएंगे हमारे 12 का हम गुणा कर देंगे किससे, 2.5 से, 2.5 से हम गुणा कर देते हैं 12 का। तो यहां पर भी इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, एक लगा लेते हैं, और दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 5 से देखिए दोनों संख्याएं कट रही हैं, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, 6×5=30। तो यहां पर हमारा 2.5 फुट में कितने इंच हो गए, 30 इंच हो जाते हैं। 2.5 फुट में हमारे 30 इंच हो गए, ठीक है। और यहां पर हमारे एक किलोमीटर में कितने इंच थे, 39370 इंच, और हमारे एक कदम में भी इंचों की संख्या आ गई और एक किलोमीटर में इंचों की संख्या आ गई। अब बड़े आसानी से हम चले गए कदमों की संख्या निकाल सकते हैं, एक किलोमीटर में उस बंदे ने कितने कदम चले या एक किलोमीटर में कितने कदम होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसलिए एक किलोमीटर में चले गए कदमों की संख्या, ठीक, क्या करना है आपको, 39370 में भाग देना किससे, 30 से भाग लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, भाग देते हैं तो 3 × 3 हो जाएगा, 3×3=9, 3×1=3, 3×2=6, दशमलव लगा लेते हैं, 1 आ गया, तो 3×3=9, 10 में से 9 गया, 1 आ गया, फिर से 0 आ गया, 3×3=9, यानी कि यहां पर हमारे हो जाते हैं 1312.33, यानी कि इसको हम काउंट करेंगे 1312 कदम। तो यहां पर हम लिख लेते हैं और करके 1312 कदम,
जो कि हमारे एक किलोमीटर में कदम बनेंगे। अच्छा, अगर जो हमारा कदम 2 फुट का होगा तब हमारे कितने कदम बनेंगे? अगर हमारा कदम 2 फुट का होगा तब कदमों की संख्या वहां पर क्या आएगी? आपको क्या करना है, 39,370 में, 39,370 में भाग लगाना पड़ेगा किससे? 24 से। यहां पर 24 से हमने भाग क्यों लगाया? क्योंकि 2 फुट में कितने इंच होते हैं? 24 इंच होते हैं। तो यहां पर हम भाग लगा लेते हैं 39,370 में किससे? 24 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1,640.41, 1,640.41। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या है? 0.5 से कम है। तो यहां पर क्या होगा? इसको ही हम काउंट करेंगे, यानी कदम हो जाएंगे 1,640 कदम, अगर हमारा कदम 2 फिट का है। अच्छा, वहीं हमारा कदम अगर जो 3 फिट का हो जाता है तो आप क्या करेंगे? 39,370 में, 39,370 में भाग लगाएंगे किससे? 36 से। क्योंकि 1 फिट में जब 12 इंच है तो 3 फिट में कितने इंच बनेंगे? 36 इंच। तो यहां पर हम 36 से भाग लगा देते हैं। 39,370 में, 39,370 में हम भाग लगाते हैं 36 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1,039.61। इसको और करके लिख देंगे, 1,039.61 है ना, तो इसको हम 1,040 कदम लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गए, 3 फुट का है अगर हमारा कदम तो कितने कदम चलेगा 1 किलोमीटर में वो बंदा? 1,040 कदम। ठीक है, लेकिन जो एवरेज जब हम काउंट करेंगे कि एवरेज कोई भी बंदा कितने कदम चल लेता है 1 किलोमीटर में, तो एवरेज होगा 1,312 कदम। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।